नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। चुनावी सीजन में केंद्र व राज्य सरकार का किसानों की छोटी छोटी समस्याओं और सुविधाओं पर फोकस बढ़ गया है। यही वजह है कि पहली बार नाबार्ड के माध्यम से केसीसी से वंचित किसानों को ऋण सुविधा से जोड़ने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए बैंकर्स किसानों को घर घर पहुँचेंगे। प्रदेश में करीब 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा से वंचित हैं। खास बात यह है कि अब बैंकों को आवेदन के 14 दिन में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा, जबकि पूर्व में यह समय सीमा 1.5 महीने थी। 20 लाख किसानों को 3 महीने में ऋण सुविधा से जोड़ने का टारगेट रखा गया है। रबी के सीजन के दौरान बैंकर्स घर घर सर्वे करवाकर वंचित किसानों को लोन दिलाएंगे। बैंकर्स के सहयोग के लिए सरकार ने जिला प्रशासन, SDM व राजस्व विभाग को आदेश भी जारी किए हैं। हरियाणा के हिसार के एक प्राइवेट स्कूल की बस उत्तराखंड के नैनीताल में खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। यह बस गांव पातन में स्थित न्यू मानव इंटरनेशनल स्कूल की थी। घटना के बाद गांव पातन में मातम छा गया है। सुबह स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। स्कूल में आए बच्चे व अभिभावक वापस लौट गए। स्कूल स्टाफ व अभिभावक नैनीताल में घायलों का कुशल मंगल जाने के लिए व्यस्त रहे। जानकारी के मुताबिक न्यू मानव इंटरनेशनल स्कूल की बस में सवार होकर स्कूल स्टाफ सहित कुल 31 लोग नैनीताल घूमने गए थे। इसी बीच बीती रात काला डूंगी रोड पर घट घट के पास बस खाई में गिर गई। हादसे में एक बच्चे और 5 महिलाओं सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए। हादसे में गांव पातन की टीचर पुष्पा, मनमीत, रामेश्वर, संगीता, ज्योति, पूनम और रविंदर की मौत हो गई है। भरतपुर के उद्योग नगर थाना इलाके में 35 साल के आरोपी ने 15 साल की किशोरी से सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में रेप किया। रेप के बाद आरोपी ने किशोरी को धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मार देगा। पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता के पिता मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। पीड़िता पिता को चाय देने जा रही थी। रास्ते में वीरपाल नामक व्यक्ति ने किशोरी को सुनसान इलाके में पकड़ लिया और नजदीकी सरकारी स्कूल की इमारत में ले गया। आरोपी ने किशोरी के मुंह पर रुमाल बांधा और पैर दुपट्टे से बांधकर रेप किया। शाम तक जब लड़की घर नहीं लौटी तो परिजन उसकी तलाश में जुटे। देर शाम पीड़िता घर आई और परिजनों को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाया है। मामले की जांच की जा रही है। जयपुर से अलग होकर बने नए दूदू जिले के ग्रामीण इलाके में मौजमाबाद थाना क्षेत्र में दूदू फागी स्टेट हाईवे नंबर 2 थमाणा गांव के पास एक ट्रेलर और बाइक में जोरदार भिड़त हो गई। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौजमाबाद थाना अधिकारी सब इंस्पेक्टर मालीराम मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। जेब में मिले आधार कार्ड से दोनों की पहचान हुई, जिसमें माधोराजपुरा निवासी 35 वर्षीय मुराद अली गनीसा और उसके 17 वर्षीय बेटे साहिम अली के रूप में पहचान हुई। हादसे के बाद ट्रेलर सड़क किनारे खाई में जाकर फंस गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर की बासनी थाना पुलिस ने शहर के एक व्यापारी को वसूली के लिए धमकाने के मामले में हिस्ट्री शीटर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वसूली के लिए फोन पर और व्यापारी के ऑफिस में धमकी दी थी। 1.5 करोड़ नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। थाने में विनोद सिंघवी ने मामला दर्ज करवाया कि उसने और पवन संचेती निवासी मथानिया ने कमोडिटी का व्यापार साथ किया था। पवन से वह 2.5 करोड़ रुपए मांगते हैं। पिछले करीब 1.5 साल से व्यापार बंद है। पवन ने रुपए नहीं देने की नियत से बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेरे घर और ऑफिस पर आकर धमकियां दी। थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया, मामले में कार्रवाई करते हुए छैलाराम जाट निवासी उम्मेद नगर, पुखराज बिश्नोई निवासी करवड़ को गिरफ्तार किया है। छैलाराम मथानिया थाने का हिस्ट्री शीटर है। फार्मासिस्ट भर्ती होने से पहले ही फार्मेसी काउंसिल की ओर से हुई गड़बड़ियों को लेकर हजारों अभ्यर्थियों में रोष है और वे राजधानी जयपुर में सीफू के बाहर पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो, लेकिन सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आने से हर दिन आस खोते जा रहे हैं। उधर सरकार ने ड्रग कंट्रोलर फर्स्ट अजय फाटक को फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद की जिम्मेदारी सौंपी है। रजिस्ट्रेशन किए जाने में की गई धांधली, लिस्ट कब जारी होगी या नहीं होगी,
दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी, इसी को लेकर दैनिक भास्कर ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी मीना और नव नियुक्त रजिस्ट्रार अजय फाटक से सवाल जवाब किए। प्रदेश भर से जयपुर पहुंचे फार्मासिस्ट ने धरना दिया और अनशन जारी रहा। जयपुर में आरएसी के एक कांस्टेबल को उसके ही दो बेटों ने मार डाला। दोनों बेटे मां से होने वाली मारपीट से परेशान थे, इसीलिए पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने मर्डर का खुलासा कर आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी आमेर आदित्य पूनिया ने बताया कि जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में पालेड़ा मोड़ पर झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मृतक की पहचान आरएसी कांस्टेबल 50 वर्षीय अमर सिंह निवासी हलैना भरतपुर के रूप में हुई। अमर सिंह परिवार के साथ मानविहार कॉलोनी में रह रहे थे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का एनालिसिस किया। शक होने पर पुलिस ने मृतक के दोनों बेटे अंकित सिंह और भरत सिंह से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया। सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने झालावाड़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी 9 करोड़ रुपए की स्मैक बरामदगी में फरार चल रहा था। इसके चलते उस पर 10,000 का इनाम था। तस्कर और पूर्व सरपंच भगवान सिंह नागर निवासी पाऊखेड़ी झालावाड़ को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि सीआईडी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल महेश सोमरा को आरोपी पूर्व सरपंच भगवान सिंह नागर के संबंध में सूचना मिली थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी तस्कर भगवान सिंह नागर को पकड़कर 12 पुलिस को सौंप दिया गया। दरअसल 7 जुलाई 2023 को क्राइम ब्रांच ने 12 के थाना सदर इलाके में 9 करोड़ की स्मैक के साथ इकबाल खान और भरत कुमार नागर को पकड़ा था, जिन्होंने पूछताछ में गांव पाऊखेड़ी थाना सुनील झालावाड़ निवासी भूतपुरा सरपंच भगवान नागर के लिए यूपी के लखनऊ से स्मैक खरीद कर लाना बताया था। कोटा जिले में मारपीट का बदला लेने के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। कुछ महिलाओं ने बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला किया था। इलाज के दौरान एमबीएस अस्पताल में वृद्धा की मौत हो गई। घटना देवली मांझी थाना क्षेत्र के बम्बोरी गांव की है। जांच अधिकारी एएसआई रेखलाल ने बताया कि बम्बोरी इलाके में दो परिवारों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें रामविलास मीणा नामक युवक पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी रघुराज सिंह, भीम सिंह, रितेश सिंह, प्रद्युमन सिंह और दीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रघुराज सिंह की मां भंवरी देवी अस्पताल गई थी। वहां से पैदल लौटते समय बम्बोरी और चौमा गांव के बीच पहले से घात लगाकर बैठी रामविलास के परिवार की महिलाओं ने हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर के लोहागल स्थित सोने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर घर के ताले तोड़कर करीब 3 लाख कीमत के जेवरात नकदी ले गए। पड़ोसियों की सूचना पर पीड़ित परिवार घर आया तो चोरी का पता चला। क्रिश्चनगंज थाने में लोहागल निवासी पीयूष शर्मा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने तोपदवा स्थित दूसरे मकान पर गए थे। पीछे से चोरों ने घर के ताले तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात व 20,000 रुपए चोरी कर ले गए। जेवरात में माँ व छोटे भाई की बहू के हार, मंगलसूत्र, पैजेब, अंगूठी व रखड़ी आदि थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।